नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम का एक टाइप पढ़ा था, गुणनखंडों का योग, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। पढ़ लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, फिर पढ़ेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, फिर पढ़ेंगे सम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो विषम गुणनखंडों की संख्या की बात अगर हम करें तो हम एक संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 120, एक संख्या ले लेते हैं 120। करना क्या है 120 का, जैसा कि दो दिन से पढ़ रहे हैं दोस्तों वही करना है, इनके गुणनखंड करना है। 120 के गुणनखंड करेंगे तो दो से काटते हैं, पहले दो से काटेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, फिर दो से काटते हैं, फिर दो से काटेंगे, अभी दो से नहीं कटेगा तीन से कटेगा, तो तीन से काटते हैं 5 15, तीन से नहीं कटेगा 5 से काट देते हैं तो आया कट गया, तो गुणनखंड कितने हुए 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 की घात 1, और इसे क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1। तो हमको पढ़ना है आज विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो विषम संख्या कौन कौन सी है, तो विषम एक तो 3 की घात 1 है, और दूसरा क्या है 5 की घात 1 है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ना है तो संख्या देखो क्या हो जाएगी 3 की घात 1 × 5 की घात 1। विषम गुणनखंड क्या है 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। तो हम यही तो पढ़ रहे थे कि पावर जो भी होगी उसकी पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो 1 में 1 अगर हम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। दोस्तों हमने यही बताया कि जो भी संख्या है उसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसको लिख लेंगे कि सम कितना है 2 की घात 3 है, और विषम कितना है 3 की घात 1 × 5 की घात 1। विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन सी है, एक तो ये है और दूसरी ये है, तो विषम संख्या है 3 की घात 1 × 5 की घात 1। हमने यही बताया था कि पावर जो भी होगी उसकी पावर में क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। तो पावर में हमने 1 बढ़ा दिया, तो 1 जब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2 हो गया, और जहां भी पावर में क्या करेंगे पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो पावर में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 की 2 से गुणा किए तो क्या हो गया 4 हो गया। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। रफ करते हैं, एक एक टाइप पढ़ेंगे, फिर सब एक क्वेश्चन में सारे सब कुछ पढ़ लेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड होंगे कितने होंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे फिर एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 300, और देखते हैं कि 300 में कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो क्या करते हैं 300 के गुणनखंड करते हैं, तो 300 के गुणनखंड करेंगे, पहले से 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0, फिर 2 से काट देंगे 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो देखो कितना आएगा 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 5 = 15। अब ये 3 से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा 5 × 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 × 5। तो देखो दोस्तों विषम गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की बात करें तो कुल गुणनखंड इसके कितने, गुणनखंड इसके कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 5, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं × 3 की घात 1 × 5 की घात 2। और यहां पे देखें तो इस सीरीज में विषम क्या है, तो विषम एक तो ये है 3 की घात 1, और दूसरा क्या है 5 की घात 2। तो हमने यही बताया जो भी संख्या विषम होगी उसमें क्या करेंगे उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, 1 है, 1 बढ़ा देंगे तो 1 + 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कितनी है पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 1 × 1 = 2 हो गई, × 2 रे कितना हो गया 3, तो 3 × 6 यानी कि विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 300
सौ के विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं 720, एक क्वेश्चन लिखते हैं 720, देखते हैं 720 में विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो 720 में क्या करना है, 720 के पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे, द्वितीया 6, दूछन 12, 0, अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटने के लिए तैयार है, तो 2 से काट देते हैं, 2 एक 2, 2 8 16, 0, फिर 2 से काट देते हैं, तो 2 9 18, 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर ये अब 2 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काटे, 3 एक 3, 5 15, फिर 3 से कटेगा, 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। गुणनखंड इसके कुल कितने हुए, देखो गुणनखंड कितने हुए, गुणनखंड हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। पढ़ रहे हैं हम विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे इसके, तो देख लेते हैं विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो विषम एक तो यहाँ पे क्या है, जो भी सम होगा उसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम जो भी संख्या होगी उसे छोड़ देंगे। तो विषम क्या है, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात है, विषम क्या है, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात है। तो अभी हमने यही बताया कि जो भी पावर होगी उसकी पावर में एक क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 2 में एक ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, पावर है हमारी ए, तो एक में एक ऐड कर देंगे, जब 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणी कितना होगा, 6। यानी कि 720 में कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम गुणनखंड होंगे 6। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं 140, एक क्वेश्चन लिखते हैं 140 140 में देखते हैं कितने विषम गुणनखंड होंगे, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसे 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 214 0, फिर 2 से कट जाएगा तो आएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, अभी किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो देखिए 140 के गुणनखंड कितने हुए, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो दोस्तों देख लेते हैं, हमको यहाँ पढ़ना है विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने होंगे 140 के। तो यहाँ पे विषम क्या है, 5 की घात 1, विषम क्या है, 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो पावर जो भी होगी, पावर जो भी होगी उसमें क्या करना है, पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, पावर जो भी होगी उसमें 1 क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, 1 बढ़ा देना है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 1 बढ़ा गया तो हो गया 2 इंटू 2, यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 140 में, 4 हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। करते हैं, क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं
दो से काटेंगे तो दो से काटते हैं, दो एकम दो दूछन 12 0, फिर दो से काटते हैं 2 8 16 0, फिर दो से काटते हैं 2 4 8 0, फिर दो से कट जाएगा, दो से कटेगा तो कितना आएगा 2 2 4 0, फिर दो से काटते हैं 2 10 आएगा, फिर दो से काट देते हैं 2 5 10, फिर 5 से काटते हैं तो 1 आएगा। देखो दोस्तों इसको हल करते हैं, दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 × 5 की घात 1, क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 × 5 की घात 1। और यहाँ पे विषम क्या है, विषम केवल यही तो है 5 की घात 1, तो 5 की घात 1 यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या याद करना है, विषम गुणनखंड की संख्या याद करना है कि संख्या, तो देख लेते हैं क्या होगी विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 5 की घात क्या है, 5 की घात 1, और इसमें क्या करना है, जो भी पावर होगी पावर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो पावर मेरी कितनी है यहाँ पे, 1 है, 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 2, यानी कि 320 में विषम गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। हमने दोस्तों पढ़ लिया कुल गुणनखंड कितने होंगे, जो कि मैंने परसों वीडियो में पढ़ा, कल मैंने पढ़ा कि कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, आज हमने पढ़ा कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभी हमें विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग पढ़ना है, जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और अपने मित्रों को बताएं। धन्यवाद दोस्तों।